मैं अंश दुबे श्री अरबिंदो कॉलेज का सेक्रेटरी हूँ और एबीपी यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट। अभी जैसे लास्ट ईयर दिसंबर में दिल्ली गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था डीयू के सामने, जो डीयू के 12 कॉलेज है जो स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है उसको दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कर दिया जाए। तो जो अटीसी जी का ये बयान था इसका हम पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि जो 12 कॉलेज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है 1986 से लेकर 1998 के बीच में दिल्ली गवर्नमेंट के कहने पे ही कॉलेज स्टार्ट किए गए थे, और उस समय दिल्ली गवर्नमेंट ने वादा किया था और इसी वादे पर स्टार्ट करवाया था कि जो कॉलेज हैं इनको दिल्ली गवर्नमेंट फंड करेगी। लेकिन अब अतिथि जी कह रही है कि इनको हम फंड करना बंद करेंगे अगर इसको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं किया गया तो ये तो वही बात, कोई भी छात्र जब डीयू में आता है तो डीयू के नाम पे आता है, कॉलेज देख के नहीं आता है। आप सब जानते हैं कोई भी छात्र डीयू का नाम देख के आता है कि हम डीयू में जा रहे हैं। तो अब अतिथि जो जी कह रही हैं कि हम डीयू के जो 12 कॉलेज हैं उनको अलग कर देंगे, इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है जो उसके स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ के टीचर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उन पर पड़ेगा। और ये उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अब की बार जो बजट पास होगा उसके अंदर जो कॉलेजेस हैं उनके अगर फंड एलोकेट नहीं किया तो पूरा डीयू है उनके अगेंस्ट खड़ा है और राज्यसभा के अगेंस्ट हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और जो हम दिल्ली गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जो ये प्रस्ताव है अपना वापस लें। जो डीयू के वाइस चांसलर सर हैं योगेश सिंह सर, उन्होंने भी दिल्ली गवर्नमेंट को कहा था कि अपना प्रस्ताव वापस लें, और जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो डिनाई करती है कि जो 12 कॉलेजेस हैं वो डीयू के अंदर ही रहेंगे, उनको डीयू से अलग ना किया जाए। लेकिन अतिशि जी का बाद में बयान आया कि उनकी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जो सरासर गलत बोला है दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर ने। तो जो स्टूडेंट्स यूनियन है श्री अरबिंदो कॉलेज इवनिंग का और एबीपी यूनिट इसका विरोध करती है। मेरा नाम अंकित है, मैं एबीपी इकाई उपाध्यक्ष हूँ, और अदिति जी ने ये जो बिल पेश करा है तो हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजेस जो हैं जिनमें टॉप कॉलेजेस भी आते हैं, महाराजा अग्रसेन हो गया जैसे, अदिति महाविद्यालय, शहीद सुखदेव, इंदिरा गांधी अप्लाइड साइंस, ऐसे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस आते हैं, और इनको दिल्ली विश्वविद्यालय से अलग करना ये बहुत एक दिक्कत की बात हो जाएगी, स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट पूरे इंडिया से दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख के आता है, स्टेट यूनिवर्सिटी वो अपने स्टेट में भी पढ़ सकता है मगर सेंट्रल में आता है क्योंकि वो स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम पर आता है। तो हम इसको बिल्कुल रुकवाना चाहते हैं, बिल्कुल हम इसके उसमें विपक्ष में हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं मानते इसको, और अदिति जी इसके लिए बिल्कुल इस बिल को पेश करें, जो उन्होंने शिक्षा मंत्री को जो अपना प्रस्ताव लेटर लिखा है वो बिल्कुल बहुत गलत है, क्योंकि थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत होगी। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।